अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन ने 7 नवंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़े मुकाबले से हरा दिया। व्हाइट हाउस में जगह पाने वाले बाइडेन अमेरिकी इतिहास में अब तक के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे। आपको बता दें कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद पर इंडियन सेनेटर कमला हैरिस अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए इलेक्टेड होने वाली पहली महिला हैं। बाइडेन और हैरिस अगले वर्ष 20 जनवरी को पद की शपथ लेंगे। चलिए अब आपको कुछ बातें जो बाइडेन के बारे में बताते हैं। जो बाइडेन का पूरा नाम जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर है। उनका जन्म 20 नवंबर 1942 को पेंसिल्वेनिया राज्य के स्क्रैंटन में हुआ था। उनके पिता कैथोलिक आयरिश ओरिजिन के थे, जिनका नाम जोसेफ रॉबनेट बाइडेन था, जबकि माता का नाम कैथरीन यूजीन फिनेगन था। जो बाइडेन कुल 3 भाई और 1 बहन थे, जिनमें जो बाइडेन सबसे बड़े हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने से पहले बाइडेन फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा की कार्यकाल में उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रह चुके हैं। वे डेलावेयर के सबसे लंबे समय तक सेनेटर रहे हैं। जो बाइडेन 1972 में डेलावेयर से डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पहली बार सेनेटर चुने गए थे। यहीं से उनके राजनीतिक करियर का आगाज हुआ था। इस चुनाव में उन्हें रिपब्लिकन पार्टी के दिग्गज नेता जेम्स कॉलेब बॉक्स को हराया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।